जन सहजयोग एक अभिनव आविष्कार। वास्तविक जो चीज स्थित है, जो है ही, उसका आविष्कार कैसे होता है? जैसे कि कोलंबस हिंदुस्तान खोजने के लिए चल पड़ा था, तब क्या हिंदुस्तान नहीं था? अगर नहीं होता तो खोज किस चीज की करा? सहजयोग तो है ही, पहले ही से है, उसका पता सिर्फ अभी लगा है। सहजयोग ये परम तत्व का अपना तरीका है, ये निसर्ग का अपना एक अनूठा तरीका है, यही एक ही मार्ग है जिससे मानव जाति को उत्क्रांति से, इवोल्यूशन से, उस आयाम में, उस डायमेंशन में पहुंचाने का एक तरीका है, एक व्यवस्था है, जिससे मानव उस चेतना से परिचित हो जाए, उस चेतना से आत्मसात हो जाए, जिसके सहारे ये सारा संसार, सारी सृष्टि और मानव का हृदय भी चल रहा है। बहुत कुछ इसके बारे में लिखा गया है, पुरातन कालों से ही खोज होती रही, मनुष्य खोज कुछ रहा ही है हर समय, चाहे वो पैसे में खोज ले, चाहे वो सत्ता में खोज ले, चाहे वो प्रेम में खोज ले, वो किसी न किसी खोज की ओर दौड़ रहा है। लेकिन उस खोज के पीछे में कौन सी प्यास है, वो शायद वो जानता नहीं। उसके पीछे में सिर्फ आनंद की खोज है। आनंद की खोज में वो सोचता है कि बहुत शीघ्र संपत्ति इकट्ठा कर ले तो उस आनंद में लय हो सकता है। लेकिन ऐसे भी देश अनेक हैं जिन्होंने संपत्ति में बहुत कुछ प्रगति कर ली, बहुत कुछ पा लिया है और अत्यंत दुखी है। आनंद तो दूर रहा, हजारों लोग वहां आत्महत्याएं कर रहे हैं। सारे खोज के पीछे में आनंद की प्यास आपको घसीटे चली जा रही है किसी अज्ञात की। सारे इन खोजों में ढूंढते ढूंढते जब मनुष्य हार जाता है कि कहीं मिलता नहीं, तो वो धर्म की ओर मुड़ता है, और धर्म की ओर भी जब मुड़ता है तब भी वो बाहर ही खोजता है। कारण यह है कि जो वो खुद है, स्वयं है, वो खो चुका है, उससे अपरिचित। इसलिए अपने से मनुष्य भागता है, हर समय अपने से भागता है, दो मिनट अपने साथ नहीं बैठ पाता। उसको अगर दो मिनट अपने साथ बैठने को कहो तो वो कहता है, प्रभु ये क्या मेरे लिए सजा हो गई, जिसको आजकल बोर्डम कहते हैं। आदमी अपने से इतना क्यों उबा हुआ है, सोचने की बात है कि मनुष्य अपने से इतना क्यों जोरों से भागा चला जाए। क्योंकि वो अपने से अपरिचित है, अपने सौंदर्य से, अपने वैभव से, अपने ज्ञान से और अपने प्रेम से अपरिचित मनुष्य आनंद की खोज बाहर की ओर करते हुए दौड़ रहा है। आनंद बाहर है नहीं, वो अंदर है, आप में है। आप स्वयं आनंद स्वरूप, आप परमात्मा स्वरूप है, ऐसा सब लोग कहते हैं। सिर्फ बातें करने से ही ये बात पूरी होने वाली है। मराठी में कहते हैं, बोला था तो भात, बोला की तो कड़ी। चाहे हम आपको कहें कि आप निराकार को खोजें, चाहे साकार को खोजें, तो सब बातें ही बातें तो हो गई, हजारों बातें हो गई, करोड़ों किताबें लिखी गई, न जाने कितने ही जीवन बर्बाद हो गए,
इंसान की खोज का कोई अंत नहीं। मनुष्य जो कुछ भी सोचता है अपने मन से, वो मन के दायरे में लिमिटेशंस में सोचता है। मन से परे की जो बात है वो इस मन से समझने वाली है नहीं। अब जैसा मेरा भाषण भी है, ये भी आपके लिए सिर्फ बातचीत ही है, ये भी एक बातचीत ही है, क्योंकि इस बातचीत से आप उस परमात्मा को नहीं जानते। जितनी भी इस पर मैं बात करती जाऊं, उतने ही आपके मन पे इसका बोझा बन जाए। अगर मैं कहूं कि कोई बोझा में रखो, तो उसका भी बोझा बनते जाएगा। इसी तरह की व्यवस्था परमात्मा ने हमारे अंदर कर दी है कि मन से हम जो भी करेंगे तो बोझिल हो जाएंगे, और उस बोझे के नीचे हम दबे हुए उड़ नहीं सकते वहां पर जहां पर हमें जाना। इसीलिए खोज आज तक अधूरी ही रही है। लेकिन नवनिर्माण की बात मैं आपसे करने वाली हूं, सिर्फ बात ही नहीं, उसका आविष्कार जो कि खोज निकला है, उत्क्रांति के मार्ग में ऐसा ही होता रहा है कि कोई प्राणी अति विशेष स्पेशलाइजेशन में या विशेषज्ञ हो गया तो वो डूब जाता है, खत्म हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य का भी हुआ जा रहा है कि इतना ज्यादा आपस की जो विरोध और कंपटीशन चल रही है, उससे मनुष्य ने भी अपने दिमाग को इतना ज्यादा विशेषज्ञ कर लिया है कि वो फटा चला जा रहा है उसका दिमाग। और एक अब नया तरह का मानव आने की जरूरत है, जो इस मन से परे उस शक्ति को जान ले, जो इस मन को भी चलाता है और इस हृदय का भी स्पंदन करता है। उस शक्ति को जानने के बारे में कितनी ही बातें आप करिए और कितना ही उस पर प्रयत्न करें, आप वहां नहीं पहुंचे। ये बात निसंदेह, ऐसे तो सभी ने यही लिखा है जो मैं कह रही हूं, कोई मैं ऐसी विशेष बात तो कह नहीं रही। नानक जी को आप पढ़ें, कबीरदास जी को आप पढ़ें, आप वशिष्ठ को पढ़ें, गुरुओं के गुरु जनक के बारे में आप पढ़ें, अपने देश में छोड़ी बाहर के देशों में भी हजारों लोगों को जो पार हो चुके हजारों वर्षों से ऐसा ही लिखते आए, यही लिखते आए हैं जो मैं कह रही हूं कि जो पाना है अकस्मात अंदर होता है। लेकिन वो भी बेचारे कहते ही रह गए, क्योंकि शायद वो भी इसे खोज नहीं पाए। लेकिन अगर वो नहीं खोज पाए थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कम थे। अगर कोलंबस हिंदुस्तान नहीं खोज पाया था, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई कम था। और बाद में जिन लोगों ने उसे खोज लिया है, उन्होंने कोई उनको नीचे गिराने के लिए नहीं खोजा, ये एक सामूहिक खोज रही है। आप लोग सब अलग अलग होकर के सोचते हैं, तब इस तरह से बात बहुतों के दिमाग में आती कि माता जी कुछ अलग ही बात कर रहे। नहीं, मैं इन सब खोजों की खोज का ही पता आपको दे रही। आज तक अत्यंत कष्ट उठा करके न जाने कितने ही मानव मैंने इस पर ध्यान दिया है। साइकोलॉजिस्ट ले लीजिए, बायोलॉजिस्ट ले लीजिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट ले लीजिए, वे भी एक हद तक जाकर के हार चुके। बहुत बहुत संत और जो महंत हो गए, रियलाइज हो गए, वो लोग भी पा लिया लेकिन दे नहीं पाए। इसका कारण समय, परमात्मा के लिए समय अनंत है। हम लोग उसे ऐसा सोचते हैं कि जो लोग पीछे हो गए और जो लोग आगे हो गए, जो मर गए तो बड़े हो गए। कौन मरा है मैं ये पूछना चाहती हूँ, कोई मरता ही? जितने भी मरते हैं परलोक में बैठते हैं और वापस यहाँ लौट आते हैं, फिर परलोक में बैठे वापस यहाँ लौट आते हैं। प्राणी मात्र से कुछ कुछ लोग मनुष्य हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर मनुष्य परलोक से वापस यहाँ पर और यहाँ से फिर परलोक, यही आना जाना लगा हुआ है, कोई मरता है? तो हो सकता है कि आप में से जो आज यहाँ बैठे हुए लोग, ये भी जन्म जन्मांतर की खोज लिए हुए आज यहाँ पहुंचे हुए हैं और वो पा सकते हैं।
अगर आप पा सकते हैं तो उसमें इतना वाद विवाद क्यों? एक साधारण सी बात जो मुझे बड़ी बचखाना सी लगी, बहुत ही बचखाना सी बात है कि लोग हर एक चीज का राजकारण बना लेते हैं। एक माँ खाना खाने को दे रही है, उसका भी राजकारण बनाने से कैसे कार्य बनेगा? ये राजकारण नहीं है, ये सत्य है, ये तथ्य है, ये बहुत बड़ी खोज है। यहां पर जो लोग रियलाइज लोग बैठे हैं वो समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं। धर्म की खोज में मनुष्य परलोक ही तक पहुंच पाया है, अभी तक परम तक नहीं पहुंचा, और जो परम में पहुंचे भी थे वो परम को नीचे नहीं ला सके। और लोगों के लिए ये बात बहुत सत्य है, क्योंकि जैसे आपके अनेक जन्म हुए मेरे भी अनेक जन्म हैं, और इन सब बड़े बड़े खोजने वाले से मेरा भी बहुत नजदीकी संबंध रहा है, और वो मेरे जितने अपने हैं शायद आप लोगों के नहीं है। जो लोग बड़े बड़े झंडे लगाते हैं कि हम मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ये हैं, वो हैं, वो सिर्फ एक वकीली लेकर के झूठ मूठ के आए, उनके पास कोई भी गारंटी नहीं है कि पिछले जन्म में हो सकता है जो हिंदू था वो मुसलमान रहा हो, जो मुसलमान हो वो ईसाई रहा हो। जब जन्म जन्मांतर की बात है, जब आनंद की बात, तो सोचना भी उसी लेवल पे, उसी स्तर पे होगा। वो स्तर ऐसा है कि जो कुछ परम है वो जड़ नहीं, जो कुछ परम तत्व है वो जड़ नहीं, जो कुछ सकल है वो ग्रोथ नहीं, जो कुछ सूक्ष्म है वो जड़ नहीं। इस बात को आप ठीक से समझिए, वो जड़ में प्रकाशित हो सकता है किंतु परम जड़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे कि बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि एक साधु संत थे, वो परमात्मा से कुछ मांग रहे थे और उनको परमात्मा ने दे दिया होगा, लेकिन परमात्मा ने नहीं दिया, ये मैं बता सकती हूं। परमात्मा को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि आपके इतने बच्चे पैदा हो जाए, कि आपको जमीन मिल जाए, आपको घर मिल जाए, आपको दुनिया भर की ऐशो आराम मिल जाए, इसमें परमात्मा को कोई भी इंटरेस्ट नहीं। हमने परमात्मा को समझने में ही गलती कर दी है, परम तत्व को परम ही देने में इंटरेस्ट है, ये बात आप लिख कर। और इस पर भी लोग सब बात करते हैं कि परम तत्व जो है वो कुंडलिनी योग से पाया जाता है, ऐसा भी बहुत लोग लिख करते हैं, लेकिन कुंडलिनी योग से सिद्धि पाई जाती है ऐसी बात कहीं भी लिखी नहीं गई। हाँ, लेकिन जिन्होंने सिद्धियां पाई हैं वो यही लिखते हैं कि कुंडलिनी से सिद्धियां आनी चाहिए, कभी भी नहीं। कुंडलिनी आपकी माँ आपके अंदर बैठी हुई है आपको पुनर्जन्म देने के लिए, वो आपको सिर्फ पुनर्जन्म देगी, आपको सिद्धियां दे करके परलोक में फेंकने वाली वो मूर्ख माँ नहीं। जितनी समझ आपके पास है उससे कहीं अधिक समझदार है वो, कहीं अधिक प्रेममय है वो, आपको गलत जगह में असत्य में ढकेलने वाली दुष्ट मां नहीं। कुंडलिनी के योग से जब तक परम तत्व की पहचान नहीं होती है तब तक वो कुंडलिनी योग नहीं है और वही सहज योग। और इसकी व्यवस्था परमात्मा ने कितनी खूबसूरती से हमारे अंदर की है वो भी एक समझने की बात है। जब बच्चा माँ के पेट में आता है
तो जड़ तत्व से उसका सारा शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार सब वो बना देता है, लेकिन उसके अंदर जो प्रकाश आता है वो माथे के तालू में से, जिसे कि फॉन्टेनेल बोन अंग्रेजी में कहते हैं, नीचे उतरता है और अपना ब्रेन मग, जिसका आकार त्रिकोणाकार एक प्रिज्म के जैसा है, उसमें से यही शक्ति गुजरते वक्त तीन हिस्सों में बट जाती। ये सब परमात्मा ने किस खूबी से किया है ये जानने के लिए यहां अगर कोई डॉक्टर हो तो वो समझ सकता है। इसी को हम सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर दो ऐसी शक्तियां विराजमान हैं कि जिसके बारे में हम बहुत कुछ कम जानते और जिसके बारे में हमें पता लगाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं, खास करके पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। अपने योग शास्त्र में इसे सुषुम्ना और ईड़ा और पिंगला ऐसी दो सिस्टम्स बताएंगे। ईड़ा और पिंगला ये दोनों ही अपने शरीर में सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का उद्भव करते हैं, माने उसका जड़ तत्व जो है वो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ऐसा समझ लें कि परमात्मा ये पेट्रोल अपने सर में यहां से भर देते हैं और पेट्रोल भरते वक्त वो कुछ ऐसी घटना घटित होती है कि प्रिज्म के अंदर से गुजरने वाले उनके किरण आपस में इस तरह से आ करके और फिर मुड़ जाते हैं, जिसे डिफ्लेक्ट होना कहते हैं, और फिर नीचे जा करके उनकी ईड़ा और पिंगला ऐसी दो नाड़ियां बनती हैं और जो बराबर बीचों बीच शिखर पे थे, बीचों बीच उतरने वाले किरण आपकी कुंडलिनी बन करके जो त्रिकोणाकार अस्थि अपने मज्जा तंतुओं के नीचे बना हुआ है उसमें वास्तव। इसे एक बात तो जाहिर हो गई कि हमारी कुंडलिनी जो है वो ऐसे जगह बैठी हुई है जिसका संबंध सेक्स से कुछ नहीं। अब आप अगर किताबें पढ़ें तो कुंडलिनी शास्त्र पे आप सब जान जाइएगा कि ऐसा होता है वैसा होता है यह है वो है, लेकिन कुंडलिनी को उठाने वाले जो बहुत कुछ मुझे भी मिले हैं और मैंने भी जाने हैं, वो सब सिंपथेटिक पे आपको ले जाते हैं, सुषुम्ना में उठाते नहीं है। उसकी एक पहचान है, अगर आपके अंदर कोई डॉक्टर हो तो समझ लेगा इस बात को जो मैं कह रही हूँ कि पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम सुषुम्ना नाड़ी है जो कि बीचों बीच है, और उसकी पहचान एक है कि जब कुंडलिनी उठती है तो आंख की पुतलियां बड़ी हो जानी चाहिए। ये तो साधारण बाहर की पहचान है, किसी भी डॉक्टर से आप पूछ लें कि जब पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है तो पुतलियां डायलेट होनी चाहिए। और बाहर भी हम आपको दिखा सकते हैं अगर आपकी नजर खुली हुई हो तो, क्योंकि आज तो हर एक चीज का आपको कोई ना कोई प्रूफ ही देना पड़ता है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आती बात है। इसका भी एक प्रूफ है कि अगर आप हमारे किसी इसमें आए या आज ही आपको दिखा देंगे तो कुंडलिनी का स्पंदन भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले त्रिकोणाकार अस्थि पे जोरों में होता है। आप जानते हैं कि त्रिकोणाकार अस्थि पे कभी भी कोई स्पंदन होता नहीं, वो हम दिखा सकते हैं। आप अगर देखें कि त्रिकोणाकार अस्थि में स्पंदन होता है और धीरे धीरे स्पंदन ऊपर की ओर उठता है और उसके साथ साथ बीच बीच में किसी किसी जगह ज्यादा स्पंदन, वही अपने केंद्र। यह आपको दिखाया जा सकता है और उसको आप देख सकते हैं, उसकी प्रचीति। जब कुंडलिनी सुषुम्ना से उठेगी तभी आप पार हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए परमात्मा ने न जाने क्यों एक बड़ी जबरदस्त कंडीशन लगा दी, एक बड़ी भारी अटकल है उसमें जो देना ही पड़ेगा।
वो ये है कि कुंडलिनी सुषुम्ना पे तभी आएगी जब परमात्मा का असीम प्रेम उस आदमी में उतर पड़ेगा। जब तक वो प्रेम मनुष्य में उतरेगा नहीं, कुंडलिनी उठने वाली नहीं है, चाहे आप कुछ करें। वो नाराज हो सकती है, गुस्सा हो सकती है, लेकिन कुंडलिनी कभी भी नहीं उठ सकती है जब तक वो असीम प्रेम सुषुम्ना के अंदर जगह बनी हुई है। खास इसकी जगह बनी हुई है हमारे नाभि चक्र और अनह चक्र के बीच में एक बड़ी सी जगह बनी है। जब तक उसके अंदर ये प्रेम उतरेगा नहीं, तब तक सुषुम्ना से ये प्रवाह उठने वाला नहीं। जैसे समझ लीजिए कि दो सीढ़ियां हैं और बीच में एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी में और हम में कुछ अंतर है, गैप। इस अंतर को आप किसी भी तरह से लांग नहीं पा रहे, उसमें कोई पुल नहीं है जिसको आप लांग कर जाए। और ये दो सीढ़ियां बराबर ईड़ा और पिंगला नीचे जमीन पर लगी हुई, सिंपैथेटिक नर्वस की, नर्वस सिस्टम की लेफ्ट और राइट, ये दोनों ही जमीन पर लगी हुई हैं, और बीच वाली अधांत्री लटकी हुई है जो परम में पहुंचा। आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो दोनों सीढ़ियां हैं, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट हो तो मेरी बात समझ सकता है, वो एक जो लेफ्ट हैंड के तरफ में है, दाहिने ओर है, वो आपको पहुंचा देती है ईगो में, अपने अहंकार। और जो राइट हैंड साइड में है वो आपको पहुंचा देती है आपके सुपर ईगो में, प्रति अहंकार। ये दोनों मिलकर के हमारे माथे पे छा जाते हैं, जैसे कि कोई बलून ना हो उस तरह से ऊपर आ जाते, और आ करके इस जगह में जहां हमारा तालू होता है उस पर दोनों आ करके मिल जाते। कभी कभी तो ये पूरे सारे सर पे ही छा जाते, कभी तो प्रति अहंकार जबरदस्त होता है और कभी अहंकार, जो भी ज्यादा जबरदस्त होता है वो हमारे दिमाग पे छाया हुआ और आ करके वो हमारे इस मार्ग को रोक देते हैं, बंद करते हैं। अब जो पेट्रोल हमारे अंदर पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम से भरा गया था, कुंडलिनी से भरा गया था, वो उसका स्रोत बंद हो गया, अब हम अलग हो गए, अब हम सेल्फ हो गए, हमें लगा कि भाई हम कोई हैं, अब अहंकार शुरू हुआ, हम हैं। अब यही भागने का, अपने से भागने का कारण, क्योंकि हम जो हैं वो हमको हम जानते ही नहीं कि हम क्या। आप मेरी ओर इतना चित्त लगाकर सुन रहे हैं, मैं आपकी ओर अपना चित्त नहीं लगा सकती। मैं कहूं आप अपनी ओर चित्त लगाएं तो आप लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप कट गए उस स्रोत से जो आप हैं। एक जो प्रति अहंकार है, सुपर ईगो है, उस पर बोझ है, जितने भी हमारी ओर से पड़ते जाते हैं, हर तरह के बोझ, उसको आप कह सकते हैं इस तरह के बोझ है जिसमें हम अपने सिखाते हैं ये करो वो करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, इस तरह की चीजें। या ऐसा कहें कि हम बड़े बड़े भाषण देते हैं लोगों को, आपको हिंदुस्तानी बनना चाहिए, आपको जापानी बनना चाहिए, आपको इससे नफरत करनी चाहिए, उससे नफरत करना चाहिए, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, ईसाई हैं, आदि तरह के सब जितने जिसको कंडीशनिंग कहते हैं बोझ से, ये सुपर ईगो जो है सब। और जो अहंकार है वो ये कहता नहीं हम तो ये हैं, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जो कहता है नहीं करना चाहिए वो तो सुपर ईगो, और जो कहता है करना चाहिए वो ईगो। असल में हम न तो कुछ नहीं करते हैं, न तो हम कुछ करते हैं।
करने वाला तो कोई और ही है, बेकारी में बचखानापन है। करने वाला अपना काम तो करता ही है और करेगा ही, लेकिन यही जड़ता हमारे अंदर दोनों है कि हम उस पेट्रोल को इस्तेमाल करते हैं इन दोनों ईड़ा और पिंगला से, अपने सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम से, उससे हम अपने को कंडीशनिंग कर लेते हैं, बोझे में डाल लेते हैं। बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी। अब बहुत से लोगों ने मुझसे ऐसा भी कहा कि माता जी आप तो इनके विरोध में बोलते हैं, उनके विरोध में बोलते हैं। भाई मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रही, लेकिन तुम तो गलत सीढ़ी से चढ़ गए ना, उसे तो उतारना पड़ेगा ही जो बीच की सीढ़ी में तुम्हें चढ़ाना है। इसमें किससे मैं विरोध कर रही हूँ, मेरी समझ में नहीं आती कि इसमें किससे विरोध करके मुझे क्या करना। मैं तो आपसे बता रही हूँ कि आप गलत सीढ़ी पे चढ़ गए, सभी उतर आइए। मैं तो बड़े बड़े गुरुजनों से मिलने जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ कि आप कर क्या रहे। कुछ करने से परमात्मा नहीं मिल सकता, इन लोगों से कुछ करवाइए नहीं, ये करने धरने से परमात्मा नहीं मिल सकता। ये आपको मैं क्या बता रही हूँ, आप वशिष्ठ पढ़े या नहीं तो आदि शंकराचार्य को पढ़े, जो कि हिस्टोरिकल चीज है, उनको भी पढ़े। उन्होंने भी यही कहा है कि आप परमात्मा को पाने के लिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अंतर उनमें मुझमें जरा सा थोड़ा सा फर्क, इतना ही अंतर आता है कि उन्होंने कहा था कि परमात्मा को पाने के अधिकारी बहुत ही कम, इसलिए ठीक है कि कुछ भक्ति में रहें और कुछ अपने ऊपर योग वोग लगाकर अपने मन को अनुशासित करें। लेकिन उन्होंने भी कहा था कि अनुशासित मन, फिर चाहे वो किसी भी तरह का और वैसा भी मन कि जो विषयों के पीछे दौड़ता है और अपने को जिसको इंटेलिजेंस कहते हैं उसमें है, दोनों ही मन इस कार्य के लिए व्यस्त है। ऐसा सुंदर मन जो छोटे बच्चों जैसा निष्पाप हो, वही इस परमात्मा को पाने का अधिकारी है, ऐसा उन्होंने साफ साफ कहा। लेकिन कौन पढ़ता है उनको, उनको कोई पढ़ता जो नहीं ना। प्रश्न तो यह है कि हम लोग सभी को पढ़ते हैं, और उसमें से उनको ज्यादा पढ़ते हैं जिनको धर्म के बारे में कुछ मालूम नहीं, और मालूम भी है तो थोड़ा बहुत मालूम। जो अपने को बहुत हिंदू कहलाते हैं उनको पहले आदि शंकराचार्य को पढ़ना, आदि शंकराचार्य ने तो हिंदू धर्म की संस्थापना करी थी, फिर आदि शंकराचार्य को क्यों नहीं पढ़ते हैं? दुनिया भर के लोगों को आप पढ़ते हैं, उनको क्यों नहीं आप पढ़ते और उनको आप जानते क्यों? उसमें मुझ में जो अंतर है वो इतना ही है कि वो कहते थे कि बहुत ही करोड़ों में एक दो होते हैं, मैं कहती करोड़ों में लाख तो है ही नहीं। ये आशावाद का अंतर नहीं है, ये समय का अंतर है। समय ऐसा कल युग का समय है ही बड़ा घनघोर युद्ध का समय, अंधकार और प्रकाश का घनघोर युद्ध बस चल रहा है। आपको पता नहीं क्योंकि आप सिर्फ अभी मुझे ही देख रहे हैं, अपने से परे आप किसी को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो लोग रियलाइज हैं वो जानते हैं कि कैसा कैसा चंग बांधा गया। आज पूर्णिमा का रोज है, आज दोनों का दिन, नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेस दोनों अपना जोर बांध रहे हैं, सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक का पूरा जोर है। सिंपथेटिक पैरासिंपथेटिक को चूसे चली जा रही है, और सिंपथेटिक कितना भी चूस ले अगर पैरासिंपथेटिक उस अनंत से एकाकार हो जाएगी तो उसमें वो भरता ही रहेगा। कितना भी आप पेट्रोल खर्चा करें अगर वो पेट्रोल पंप ही में लगा हुआ है तो फिर क्या डरने की। ये सारे सिंपथेटिक का सिंपथेटिक की जो एक्टिव कॉन्शियसनेस की साइड है, जहां से आप सारा काम करते हैं, जिसे एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, वो अगर अति इस्तेमाल हो तो कैंसर जैसा रोग हो जाए, और जिस तरफ में सुपर ईगो होता है वो ज्यादा इस्तेमाल हो तो पागलपन आ जाता है। हम किसी को ठीक ठाक नहीं करते हैं, ये भी कहना है कि हम बीमारियां ठीक करते हैं एक तरह से गलत ही बात है, क्योंकि वो तो पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि इन दोनों भी सिस्टम को ठंडा कर देती है, अपने आप ही मनुष्य जो है वो ठीक हो जाता है। अगर कोई पागलपन होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा, और अगर कोई आपके अंदर में ओवर एक्टिविटी से कैंसर जैसा रोग होगा वो भी ठीक,
कैंसर का इलाज सिर्फ सहज योग, और कोई उसका इलाज संसार में नहीं है, ये बात सिद्ध हो जाए। हम जानते हैं कि थोड़े दिन में बिल्कुल ये बात सिद्ध हो जाएगी, और हमने बहुतों का इलाज भी जो किया है कैंसर का, वो भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो भी बता सकते। तो एक बात पहले और शुरू से ही कह रही हूँ कि चित्त हमारा कहाँ, चित्त क्या उस कैंसर पे है जो इस शरीर को जर्जर किए हुए है, जो कि जड़ है। हमारा चित्त अगर चैतन्य पे है तो चैतन्य की बात सोचनी चाहिए। जब तक हम अपना चित्त चैतन्य की ओर नहीं रखेंगे तो जड़ भी हमें सताए। सारा काम चैतन्य का, जड़ता का कोई काम ही नहीं। हमको इतनी आदत जड़ता की हो गई, इतनी आदत जड़ता की हो गई है कि मनुष्य छोटी छोटी जड़ बातों से छिपल जाता, छोटी छोटी जड़ बात। जैसे मैं आपसे कहूं, एक थी हमारे पास आती थी, उनको रियलाइजेशन हो गया और वो काफी अच्छे से देने वगैरह लगे, लेकिन रियलाइजेशन का मतलब भी ये तो नहीं कि आप वयस्क हो गए, आपका पुनर्जन्म हो गया, आप बच्चे हो। अब उनको आगे बढ़ना चाहिए, उस पर उनका चित्त, मेरा लड़का जो है वो ठीक हो जाए, मेरे बच्चे जो है वो ठीक हो जाए, मेरा पति जो है उनका ठीक हो जाए, फिर थोड़ी देर मेरे पैसे का मामला ठीक हो जाए। चित्त कहाँ है? चित्त आप रियलाइज हो गए तो भी चित्त वही है जिसे आप छोड़ के आए हैं। जिसने चैतन्य पे चित्त रखा है वो बहुत ऊंचा उठ गया है। आपके बीच में भी ऐसे लोग बैठेंगे जो बड़े ऊंचे, सब देवता स्वरूप है, ये लोग वंदनीय है। यही देवताएं हैं, इन्हीं को देवता कहना चाहिए जिनका भी बस। बेकार की बातें करने वाले लोगों से झगड़ा करने की किसी को भी कोई जरूरत, जिनको आना हो आए, नहीं आना हो नहीं आए, उनसे झगड़ा करने, जूनियर वाद विवाद करने का आज समय रहे नहीं, क्योंकि वो लोग वाद विवाद ही करते रहेंगे। क्योंकि शंकराचार्य ने भी कहा था ना कि निम्न कोटि के लोग हैं, उनको तो ठीक है, वो अपने किसी तरह से अपने मन को अनुशासित करें और किसी तरह से अच्छे से रहे, चोर चकोरी से बचे, एक अच्छे सामाजिक घटक बनके रहे। किंतु परम में पाने वाले लोग, परम की ओर दृष्टि रखने वाले लोग ऐसी चीजों से संतुष्ट होने वाले नहीं। जब तक परम आपने पाया नहीं, आपको मेरे ऊपर भी बिल्कुल विश्वास नहीं करना, ढकोसलेबाजी की बिल्कुल जरूरत है। किसी भी चीज आपको कोई भी बताए, आप कुछ विश्वास न करके पहले अपने अंदर पा लीजिए, तभी आप मेरे ऊपर भी विश्वास। यहां कोई बाजार खोलना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, नाम कमाना नहीं, सिर्फ मुझे यहां मनुष्य का परिवर्तन करने का। और इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म देख लेंगे, हम तो हमें अनंत में ही रहने की आदत थी। लेकिन अब भी ये सोच लेना चाहिए कि जो कोई मर चुके हैं तो मर चुके हैं, उनकी बातें लेकर के न दोहराइए, चित्त अपनी ओर रखिए। शायद हो कि उनमें से आप एक हो जिन्होंने कुछ कुछ लिख दिया था, हो सकता है कि आप ही वो बड़े भारी लोग हो जिन्होंने की बहुत कुछ लिखा और आज फिर यहाँ जन्म लेकर के आए हैं अपना दावा लेने। जो हो चुका सो दूर। सहज योग में जो साधक होता है उसे कुछ भी नहीं करना, जो डूब रहा है पानी में वो कुछ न करे तो अच्छा है, लेकिन बाकी के तैराक लोग उसे बचाते हैं और उसे उठाते हैं। यही साधारण तरह से सहयोग आप समझ। जो लोग अपने सूत्र पे उतर गए हैं, जो लोग पार हो गए हैं, जो अपने अंदर एकाकार अपनी शक्ति से हो गए हैं, वो ही सब कुछ करेंगे। आप शांत बैठेगा जो अभी तक पार नहीं, आपके सूत्र में आकर वो आपको प्यार देंगे, आपके सूत्र पे आकर वो आपके चक्रों को ठीक करेंगे, क्योंकि आप अभी अपने चक्रों को जानते ही नहीं। जब आप पार हो जाएंगे तब आप मेरी बात जानिएगा कि हाँ यहाँ चक्र है, ये चक्र घूम रहा है, वो चक्र चल रहा है, उनका ऐसा चक्र है, तभी आपको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं सामूहिक चेतना, उसका आभास। पहले ही से नाही नाही करने लोगों का ये स्थान नहीं है, और नहीं उनके लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था की जा। ऐसे लोग
जो कि आप हैं, चाहे वो कितने भी कंडीशन हो। लेकिन जो सच्चाई चाहते हैं और जो चाहते हैं कि हमारे अंदर परिवर्तन हो जाए, वो सर आंखों पर हमारे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस जन्म में ही उनको मिलेगा, चाहे उनकी कैसी भी कंडीशनिंग हो गई हो, चाहे उनके कुंडलिनी साथ कैसा भी खिलवाड़ हो। खिलवाड़ बहुत हो चुके, अगर मैं कहती हूँ कि किसी की कुंडलिनी की खराबी आ गई है, उसने लोग मुझे कहते आप विरोध कर रहे हैं, भाई पागलपन की बात है। एक माँ है, अगर बच्चे की कोई चीज बिगाड़ देखती है और उससे वो बताती तो किसी का विरोध नहीं करे। तुम्हारी अबोधिता में, तुम्हारे सादगी में अगर तुम्हारा कुछ बिगाड़ हो गया है तो उसको हम ठीक करने के लिए बैठे हूँ। लेकिन पहले ही से इस तरह की बात सोच लेना, ये कौन सी आर्थता है, ये कौन सी मांग है। गुरु का आज गुरु पूर्णिमा का आज दिवस है और सहज योग का पूर्ण वर्णन विशद रूप से करना किसी छोटी समय में संभव नहीं। मेरा आज विचार था कि काफी विषय पे मैं कह सकूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ विषय अत्यंत विशद है, सागर से, और मेरे अनेक ध्यान की क्लास में मैंने लोगों से बताया है। इतना ही नहीं, जो लोग रियलाइज हैं वो उस स्तर पे आ गए हैं कि इस बात को समझ सकें, क्योंकि उनके हाथ से वो प्रवाह, वो आनंद लहरियाँ बह रही हैं, वो प्रेम की लहरियाँ बह रही हैं, जिससे वो समझ सकते हैं कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है, सामूहिक चेतना क्या है। इसको भी समझना चाहिए कि ये कौन सी। अभी बहुत से लोग आप में ऐसे भी होंगे जो मेरी ओर हाथ पर करके बैठे तो आपके अंदर ऐसा लगेगा जैसे हाथ थरथरा रहे हैं, कप कपा रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा। अब उस पर लोग कहेंगे कि नहीं हमें वाइब्रेशंस आ रहे हैं, वो वाइब्रेशंस नहीं, वो तो आप हमारे विरोध में है, आपके अंदर कोई चीज हमारा विरोध कर रही है पूरी समय, ये जो हम प्यार आपको दे रहे हैं उसके विरोध में थरथरा, ये आप हमारे विरोध में खड़े हैं इसलिए आप थरथरा रहे हैं, वो वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन तो तभी हम मानते हैं जिस वक्त आपके सहस्त्रार्थ का चलना रुक। कबीर दास जी ने कहा है कि शिखर पर अनहद बाजे, शिखर पर अनहद की आवाज आती है, माने हृदय में जो स्पंदन है वैसी आवाज आने लगती है। वो तो हुई जब तक टूटा नहीं, जब टूटने पर सारी आवाज टूट कर, सारी ही आवाज टूट करके आप परमात्मा से एकाकार हो, तब न कोई आवाज आती है, न कोई चीज दिखाई देती है, न कोई चीज दृश्यमान है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें दिव्य दृष्टि है, हमें दिव्य फलाना है, ये सब स्थिति। दृष्टि से क्या होता है, दृष्टि से क्या मिलने वाला, दृष्टि से ही अगर सब कुछ मिलने वाला होता तो फिर खोज का है। इस दृष्टि से मिलने वाला वो नहीं है और इस कान से सुनने वाला वो नहीं, किंतु वो जानना है अंदर, जिसने उसे अंदर से जाना है वही उसे समझ सकता है। दृष्टि से क्या बहुतों को दिखाई देते हैं, बड़े बड़े करिश्मे दिखाई देते हैं, बड़े बड़े लोगों को चित्र दिखाई देते हैं, मुझे बहुत से लोग आकर बताते हैं उसको चमत्कार। मैं कहती हूँ बेटे इससे परे परमात्मा, ये सब परलोक सब मरी हुई, इससे परे परमात्मा एक अनुभव, ये एक अनुभव, इससे परे परमात्मा है, इसे छोड़िए। सबको छोड़ के निराकार में जब आप एकाकार परमात्मा से होंगे तब इन सब चीजों का अर्थ लगेगा जो साकार बनी बैठी। इस आनंद लहरी से लोगों ने बहुतों को ठीक किया, बीमारियां ठीक हुई, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज हुई है जिसका मुझे बहुत आनंद है कि 10 आदमी पार भी हो गए, सब ने मिलकर सामूहिक किया पार हो। अब आप ये कहेंगे कि इतने जल्दी कोई पार क्यों होता है, नहीं होते, बहुत से लोग नहीं होते, 4-4 साल लोग हमारे पास आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कोई तो बड़े भारी मिनिस्टर साहब है, कोई गवर्नर साहब है, कोई कुछ है, नहीं होते तो नहीं होते, हम उसे क्या करें। हमें किसी से पैसा तो लेना है नहीं कि आप 2,000 रुपया दे दीजिए हम पार कर दे, सर्टिफिकेट दे दें। ये जो नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, हुआ तो। अभी हम अमेरिका गए थे, वहां पर एक साहब बहुत बड़े राजा है, वो कहीं वहां मिले, वो हमारे साथ, वो हमसे कहने लगे कि माता जी ये क्या आप जो आता उसको पार कहते हमको नहीं कहते, हमने क्या किया। मैंने कहा बेटे हम तुमसे कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि तुम्हें दुख होगा, तुम धर्म के ऊपर में इतना लेक्चर होते हो, तुमने कभी धर्म में उतरे हो क्या,
कि रात दिन तुम जो अपनी जान को मारे ले रहे हो, ये किससे मारे? तुम जरा इसे छोड़, थोड़ा सा परमात्मा पे छोड़। 4 दिन बीत गए, उसने कहा भैया आप तो हम मान गए। हम इंडिया में गए तो सब लोगों ने हमसे कहा कि तुम तो भैया एकदम पार, और तुम हमारा कार्य करो, तुम हमको रुपया दो और ये करो। सबने हमें सर्टिफिकेट दिया। मैंने कहा मेरे पास नहीं चलता बेटे, क्या करो, वो तो जो होएगा सो होएगा, इसमें किसी की चापलूसी, किसी की रिकमेंडेशन, कुछ नहीं चलता। ये इतना अल्ट्रा मॉडर्न है कि इस पर किसी का असर नहीं चलता। जो होगा सो होगा, जो नहीं होगा सो। अब जो नहीं हुए वो नाराज हो जाते हैं और मेरे खिलाफ जा करके कुछ कुछ बोलने लग जाते। बोले अब हम क्या करें, नहीं हो रहे तो भाई हम तो चाहते हैं कि सबको वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग हो जाओ, लेकिन आप नहीं होते, उनसे हम क्या करें, आपकी रुकावट। ये भी सोचना चाहिए कि कोई हो गया कहते, किसी को नहीं कहते, और सब लोग कहते कि हाँ हो गया, जितने भी खड़े कहते हाँ हो गया तो हो, और सब लोग कहते नहीं इसका सहस्त्रार चल रहा है, माने सबका ही चल रहा, उससे भी कोई तो सत्य हो ना। बीमारी को ठीक करना सहजयोग का कार्य नहीं, ये जान लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि उन्होंने भी ठीक किया, उन्होंने भी ठीक किया, क्या हो कैसा किया पता है। सहजयोग से सिर्फ कुंडलिनी की जागृति और परमात्मा को पाने की बात है और कोई नहीं है। और ये कार्य जो है इसका आप जड़ से संबंध मत जोड़, कभी भी इसका जड़ से संबंध जोड़ करके इसको जड़ में नहीं आता, क्योंकि बीमारियां तो हजार तरह से ठीक हो सकती। आपने सुना होगा डॉक्टर लैंग एक आदमी था लंदन में, बहुत बड़ा डॉक्टर, वो मर गया अकस्मात, वो मर गया उसकी इच्छाएं अतृप्त थी। तो एक सोल्जर था वियतनाम में, उसके सुपर ईगो में वो घुस गया, उसे कहने लगे कि तुम लंदन चलो मेरे लड़की के घर। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम इनसे कहो मैं आया हूं तुम्हारे अंदर। तो लड़के ने कहा इसका क्या विश्वास, तो उन्होंने सब उसको बताया, जो कुछ भी उनके बीच में गुप्त वार्ता सीक्रेट हुए थे सब बताए, उससे उसको विश्वास हो गया। तो उसने कहा कि तुम फिर से मेरा शुरू करो ऑर्गेनाइजेशन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि यहाँ पर लोग में बहुत से डॉक्टर्स हैं जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो अवतरित होना है। उनका बड़ा भारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पर वो सच्चे लोग हैं, कहते हैं कि ये हम लोग सिर्फ सिखा झूठे, उसको भगवान का नाम नहीं देते, वो कहते हैं सिर्फ। और उन लोगों का ऐसा है कि उनको अगर आप चिट्ठी लिख दीजिए तो वो आपको लिख के भेजते हैं कि 10 बजे इतने टाइम पर आपके पास आकर कोई आदमी कुछ कर जाएगा, आप आराम से देखते हैं, और बराबर उसी वक्त आपको कुछ लगता है कि कुछ हुआ अपने अंदर में और आप ठीक भी हो गए। बहुत से रोग ठीक भी हैं, लेकिन तो भी रोग ठीक करने से सिर्फ शरीर ने ठीक किया है, इसे परम तत्व तो किसी ने पाया नहीं, परम तत्व तो मिला नहीं। ये शरीर यहाँ छूट जाएगा और फिर वहां जाकर फिर यही आएगा। और जिन पर वो ऐसे प्रयोग कर रहे हैं वो ये भी नहीं जानते, वो भी अबोध है, वो भी उनका बचाना पड़ा, वो जानते नहीं है कि जिन स्पिरिट को वो आज इस्तेमाल कर रहे हैं कल वही उलट के हमारे ऊपर आए। मैं सोचती हूँ डॉक्टर लैंग जरूर थोड़ा सा जानते थे, नहीं तो वो अपने लड़के के अंदर क्यों नहीं घुसे, वो इस सोल्जर के अंदर जाकर क्यों नहीं। और स्पिरिट का देह जो होता है उस पर ये जड़ नहीं होता, इसलिए वो बहुत कुछ देख सकता है बनिस्बत हमारे, जिसको कि आप ESP कहते हैं, जिसे को आप पैरासाइकोलॉजी कहते हैं, जिसे कि आप पेंटिकॉस्टल्स का वो जो आत्मा का आशीर्वाद कहते हैं, जो कूदना होता है, जो चीखना होता है, चिल्लाना होता है, मेस्मरिज्म होता है, सारा स्पिरिट का काम। उसमें से कुछ स्पिरिट अच्छे भी होते हैं और कुछ स्पिरिट बहुत जैसे हम हैं वैसे स्पिरिट भी हैं, कुछ तो राक्षस भी होते हैं, महादुष्ट होते हैं। आप उन्हें आज देख नहीं रहे, हो सके तो मैं आपको बाद में दिखा भी सकूंगी, जैसे आज कुंडलिनी दिखा रहे, ऐसा समय आ जाए तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगी, लेकिन है उनका वास्तव्य आप देख सकते हैं, उनका असर आप देख सकते हैं। और हरेक रिलीजन में उनके बारे में लिखा है, हिंदुओं में सुरासुरों की बात है। जो है तो है, जब आप पॉजिटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव आपको दिखाने पड़ेगा कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। जो धर्म और अधर्म की बात नहीं कर सकता है वो हवाई बात, सिर्फ धर्म की बात करने से कैसे होगा, धर्म भी है और अधर्म भी है, उसकी पूरी सारी देखा है।
तो धर्म में अधर्म नहीं हो सकता और अधर्म में वो धर्म नहीं हो सकता। इसका कंफ्यूजन कलयुग की वजह से कर दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव। जो नेगेटिव चीज है उसको समझ लेना चाहिए। नेगेटिव का मतलब है मरी, डेड, सिंपथेटिक में बैठी, लिबिडो से गई हुई वो है। और उस नेगेटिव का असर बहुत ज्यादा उस जगह जब होता है जहां पर मनुष्य जड़ होता है, जैसे बंबई शहर। हम लोग बहुत जड़ है बंबई शहर, रात दिन पैसों की ठनका, इलेक्शन के झंडे, इन सब चीजों में इतना चित्त उलझा रहता है रात दिन, ये सब पढ़ पढ़ के और सुन सुन के मनुष्य का चित्त ही नहीं जाता है वहां पर। इंक्वायरी ही नहीं है, खोज ही नहीं है कि अरे हम क्यों जी रहे, क्या यही सब पढ़ने के लिए उसने गुंडे ने वहां मारा, वहां जाके निदर्शन हुए, उन्होंने जाके उनकी बुराई करी, उन्होंने जाके उनसे ऐसा किया, क्या यही सब पढ़ने के लिए हम संसार में आए। मनुष्य का विचार ही नहीं जाता। इस जड़ तत्व से बहुत बच के रहिए। लेकिन ये जड़ तत्व तो आपका अपना घिराव, इसके अलावा भी कलेक्टिव सब कॉन्शियस है, जिसे कहना चाहिए परलोक, और उससे जो नुकसान हो रहे हैं वही नुकसान सबसे ज्यादा हमारे सहयोग में। और जिस आदमी पर ऐसा कुछ हो गया हो उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है कि वो सहयोग में परमात्मा को पाए। इसमें दोष हमारा नहीं देखे, सच बात है हमारा इसमें कोई भी दोष नहीं, दोष ना आपका है ना हमारा है, थोड़ा आपके कर्मों का जरूर है। नहीं तो आप ऐसी जगह क्यों गए जहां पर जाकर के आप पर ऐसा दोष लगे। पूरी सतर्कता में स्वयं अपने आप होने वाला जीवन का विकास, यही सहज है। भूत प्रेत स्पिरिट संत भी, इनसे आप परम नहीं पाए, वो मरे हुए लोग हैं। परम सिर्फ जिंदा में ही आ सकता है, मरे हुए में अगर आता तो क्यों वो यहां आ रहे हैं हमारे ऊपर, वहां क्यों नहीं बैठते। जिंदा होना चाहिए आदमी, जब तक जिंदा नहीं होगा, सतर्क नहीं होगा, उसकी चेतना जब तक पूरी तरह से जागरूक नहीं होगी तब तक उसके अंदर सहयोग नहीं होगा। पूर्ण जागरूकता अवस्था में जो चीज आप पाते हैं वही परम है। समाधि में लोग सोचते हैं कि आंखें ऊपर हो गई, दिल हो गए, हम दो दो घंटा बैठे हुए हैं, ये सहयोग से नहीं होने वाला। ये सब आपका सबकॉन्शियस, जिसे कि मैं कहती हूं मृत लोक, उसमें आप उतर रहे, उससे कोई भी आपको चिरस्थाई फायदा नहीं। जिस मनुष्य को परम पाना है उसको सोच लेना है कि जो मैं सतर्कता में पूरी स्वतंत्रता में पाऊंगा वही मैं पाऊं। पूरी स्वतंत्रता आपको, यहां तक किसी भी तरह का भक्ति भाव मेरे प्रति न हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे एक साधारण सौम्य स्त्री होती है वैसे ही मैं घर गृहस्थी की एक साधारण स्त्री हूं, ऐसा ही समझ लीजिए। कुछ विशेष हूं यह सोचना ही नहीं, ऐसा ही सोच के आइए। ये स्वतंत्रता भी होनी चाहिए तभी आप पाएंगे। चाहे आप 10 हो चाहे आप 1 हो, हमारे लिए काफी। इसके नंबर से नहीं होता, हालांकि नंबर बढ़ाना होगा, नंबर जरूर बढ़ाना होगा, इसमें कोई शंका नहीं। कार्य जोरों में अगर हो जाए तो हो सकता है, हालांकि परम ऊपर से बाहर चला जाए। एक नव निर्माण के लिए, एक नई चेतना के लिए, एक नए तरह के मानव की उसे व्यवस्था की हुई है इस पैरासिंपथेटिक से जगह। एक प्रेममय, एक ज्ञानमय, एक सौंदर्यशाली मनुष्य की रचना होनी ही पड़ेगी और होके ही। आप लोगों ने इतनी देर तक मेरा भाषण सुना है, गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे यही कहने का है कि इस जन्म में मैं गुरु हो गई हूं, और तो किसी जन्म में ये कार्य नहीं किया था। पहली मर्तबा गुरु का कार्य करना पड़ा, शायद हो कि
माँ को ही गुरु होना पड़ता है, ये कलयुग का मामला। इसलिए नितांत परमात्मा की जो भी शक्ति है वो किसी माँ के ही हृदय से बहे, उसी की करुणा और उसी के प्रेम में कुंडलिनी को संजोया जाए और उसे उस शिखर तक पहुंचा दिया जाए जहाँ पर कि वो अपने गौरव में, अपने आनंद में और अपनी शान में विराजित हो। ये शायद हमारे ही भाग्य में, इसीलिए इस जन्म में ये गुरु का स्थान स्वीकृत हुआ है। माँ गुरु बन जाए ऐसा कहीं होना बड़ा कठिन है, क्योंकि माँ अत्यंत कोमल होती है। गुरु तो मार भी देगा, पीट भी देगा, डांट भी देगा, लेकिन माँ एक भी कठिन शब्द बोलते वक्त उसके हृदय में कसोती, तकलीफ होती है बहुत। और जब वो देखती है कि मेरे बच्चे कितने साधना से आए हुए हैं और इनको किस तरह से इनको संजो करके संभाल के प्यास उस किनारे ले जाना है, तब उसकी जिम्मेदारी भी इतनी बढ़ जाती है, उसका सारा व्यक्तित्व ही दूसरा हो जाता है। लेकिन आदिकाल से ही लोग कहते आए हैं कि माँ से बढ़ के गुरु कोई नहीं है। गुरु उसी को मानिए जो आपसे बड़ा हो, बड़ा हो जो आपसे बड़ा परमात्मा हो। रामदास स्वामी ने गुरु के बारे में ऐसा कहा था कि गुरु उसे मानिए कि जो स्वयं तो पारस है ही, दूसरों को छूते ही वो सोना नहीं बना देता उसे पर पारस बना देता, जैसा खुद है वैसा ही दूसरों को बना देता। और इसीलिए ये माँ स्वरूप चीज, माँ बच्चों में जीती है, बच्चों के गौरव में गौरव पाती है। इसलिए इस जन्म में शायद परमात्मा की यही इच्छा रही कि ये प्रेम और ये ज्ञान एक माँ के अंदर से आपको मिले। अभी हम लोग ध्यान में जाएंगे, इसके बाद में आप लोग आत्मता से इसमें जाएंगे, अपने विचार अपने विरोध इनको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, इसलिए कि आपको अपना मंगल और कल्याण करें। अपने साथ अच्छाई, अपने साथ बुराई, किसी भी एक चीज को पकड़े बैठे हुए हो उसे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है और आपकी स्वतंत्रता हमें छीन है किसी भी तरह, किसी भी कीमत से मैं आपकी स्वतंत्रता आपसे छीना। जैसे लोग पागल जैसे किसी पीछे दौड़ते हैं, हजारों रुपया उन पर दे देते हैं, चीजों दे देते हैं, अरे चीजें लेते किस लिए? गुरु हो तो आपसे कुछ नहीं ले सकते। गुरु को आप क्या देंगे? आप मुझे कुछ नहीं दे सकते, आप मुझे वाइब्रेशन भी नहीं दे सकते। आपको आश्चर्य होगा, आप मुझे वाइब्रेशन नहीं दे। एक दिन मेरे पैर में चोट लगी तो एक डॉक्टर थी, वो कहले माता जी मैं आपको वाइब्रेशन देने का दो तो सही। जो वो वाइब्रेशन देने लगे, जहां से चोट लगी वहां से इतने जोर से उन पर वाइब्रेशन आए कि वो तो ध्यान में चली गई। माता जी कहने ये तो जगह में वाइब्रेशन आ रहा और मेरी जो चोट थी वो एकदम हल्की। गुरु वो हो जो आप कुछ भी न ले सके, जो शिखर पे बैठा हुआ है वो नीचे की ओर बहेगा, उसकी ओर कोई नहीं कुछ नहीं दे, असंभव की बात। अगर मैं किसी से कहती बेटे मुझे मत दो, इसलिए क्योंकि वो ढकोसला है, आप मुझे कुछ भी नहीं दे, उल्टे आप कुछ मांगते हैं मुझसे, सारा की सारा व्यक्तित्व जो है वो खोल उठता है और इतने जोर से अंदर से सारी की सारी प्रभावशाली शक्तियां दौड़ने लग जाती हैं कि किस तरह की प्रेम से इस बच्चे को मैं संभालूं। जरा सा कोई कुछ मांग ही ले, परम परम मांगिएगा। आज के गुरु पूर्णिमा के दिन मेरा आपको सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, और जितने रियलाइज लोग हैं उनको विशेष रूप से, और उनको यही विनती है कि जैसे आपने पाया है दूसरों को देने का पूरा प्रयत्न, उनको भी इस ओर लाने का प्रयत्न हो सकता है
वो लोग आपसे नाराज हो जाए, गुस्से हो जाए, मारेंगे पीछे, ये कुछ भी नहीं है। इससे कहीं अधिक हमने साहस है, इसलिए कुछ भी नहीं, वाद विवाद करेंगे, आपको नहीं मानेंगे, कोई हर्ष नहीं, छोड़ दीजिए, जो आपको मानते हैं उन्हीं पर ही अनुग्रह करेंगे। यही कुछ कर देना है, यही आप दे, कि मेरा प्यार संसार में सब जगह पहुंचे और घर घर बीत जाए। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।